कहाँ से आए हैं आप लोग? झारखंड से। झारखंड से क्या तकलीफ है इसको? जन्म से सुनाई नहीं देती। बिल्कुल बहरी मुंगी है, बोलती भी नहीं है सुनती भी नहीं है। कहाँ कहाँ दिखाया आपने? रांची में दिखाया था मैंने। अच्छा, और उसके बाद धनबाद में दिखाया। क्या बोला डॉक्टर ने? कान का ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन से कोई सुनता है क्या? बोला कि सुनने की गारंटी देते हो क्या? नहीं, कुछ कुछ भी नहीं होगा। बराबर है, चलिए आज बिना मशीन बिना ऑपरेशन के सुनवाता और करते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग करेंगे। प्रणाम सर। प्रणाम। कैसी हो? अच्छी हो? गुड। अरे वाह। हाँ सर, क्या आशीर्वाद है, क्या वीडियो है, क्या कहना चाहते हैं संसार को, क्या संदेश देना चाहते हैं, बोलिए। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहा सर, बच्ची हमारी सुन रही है, इसको प्रैक्टिस कराना है घर में। सर मैं आपका आभारी क्यों मानते हैं? क्योंकि झारखंड में बैठ के आपने वीडियो देखे और विश्वास करके बच्ची को ले आए ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और आज 2 घंटे की ट्रीटमेंट हुई है। 1 घंटे में कान में दवाई, दूसरे घंटे में दूसरे कान में दवाई गई है, और बच्ची शब्द पकड़ने लगी है, बोलने लगी है, समझने लगी है, और खास करके घंट का नाद बैल पीछे से सुनने लगती है और शब्दों का उच्चारण शुद्ध करने लगी है। क्योंकि बच्ची का थोड़ा बहुत पहले विश्वास थोड़ा था इसको, आपको मालूम नहीं ऐसे, इसको पहले से कान थोड़ी थोड़ी चालू थे, इतने कम थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा था, पर आज इसका हमने पूर्ण रूप से विकास कर दिया गया है। सर आपको क्या कहना है इस ट्रीटमेंट के बारे में, क्या समझे हैं यहाँ आकर के? थैंक यू, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। मतलब ये कोऑपरेशन करना भी इटसेल्फ पुण्य का काम है, क्योंकि आपको देख करके दूसरे बच्चे सुनेंगे तो ये महापुण्य इस बच्ची को मिलने वाला है।